फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग्स अगेन। सबसे पहले तो कहूँगी कि आज ईद है और साथ ही साथ अक्षय तृतीया भी है, तो मेरे सारे व्यूअर्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज वेदर फाइनली बहुत अच्छा है, यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और अर्ली मॉर्निंग मैं नहा के चाय लेके बैठ गई हूँ अपनी, और ठंडा ठंडा वेदर और साथ में गरम गरम चाय, बहुत मज़ा आ रहा है। और दिखाया मैंने आप लोगों को कैसे बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से आज तो फूल जो दे के जाते हैं वो लोग माला फूल वगैरह दे के नहीं गए पूजा के लिए, तो वो लोग शायद लेट से आएंगे बारिश रुकने के बाद। तो पूजा की बाकी तैयारी मैंने कर दी है और जब माला फूल वगैरह बाद में आएगा तो माँ नहा के वो सारा कुछ आज कर लेगी, क्योंकि मैं चाय पी के भाग जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो वेदर इतना अच्छा है ना, मन बहुत अच्छा हो रखा है, और चाय पी के तो बस मज़ा ही आ रहा है ऐसे वेदर में। तो चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन में, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँगी। वैसे मैं बताऊँ कि कल रात ही पापा कह रहे थे आज अक्षय तृतीया है तो आज कुछ मीठा बनाना और कुछ स्टफ्ड पराठा वगैरह बनाना। पापा को एक्चुअली बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, पापा खाने के बहुत शौकीन है, भले ही डायबिटिक है लेकिन उन्हें मीठा बहुत पसंद है, तो कभी कभार उनके लिए हम लोग बना ही देते हैं। तो मैंने कहा था ठीक है अक्षय तृतीया है तो कल सत्तू का पराठा और सेवई हम लोग बना लेंगे। और सुबह उठ के देख रहे इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि पूरा वेदर ही ऐसा हो गया है कि सत्तू पराठा खाने में तो आज मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए चाय पी लेती हूँ फिर चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट करना भी हो गया और वेदर बहुत अच्छा है, अब जाऊंगी खाना बनाने के लिए। और क्योंकि इतना ठंडा ठंडा वेदर है ना, तो आदि अभी तक सो रहा था तो इसीलिए उसको उठाने के लिए यहाँ आ गई थी इस रूम में, और अभी उठाई हूँ। ये देखिए अभी उठा है, नींद खुला है जस्ट इसका। और आज तो क्लासेस भी छुट्टी है तो अब उठा है, अब ब्रश व्रश करेगा फिर नाश्ता करेगा, और मैं अब चल रही हूँ लंच बनाने के लिए। देखो क्या बनाऊंगी, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। डिनर में बनाएंगे सत्तू का पराठा और सेवई, और फिलहाल अभी देखती हूँ। पालक लेके आए हैं पापा, फूल गोभी भी है, मुझे पता नहीं। अब मैं किचन जा रही हूँ, देख रही हूँ क्या बनाऊंगी। तो लीजिए फैमिली, आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने डिसाइड किया है कि आज मिक्स दाल बनाऊँगी पालक वाली, जिसे सतपैता भी कह सकते हैं आप, और साथ में गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और साथ ही साथ इन दोनों रेसिपीज़ की शूटिंग भी करूंगी अपने कुकिंग चैनल के लिए। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी आके किचन में। और जब तक ये व्लॉग आएगा, ये व्लॉग एक्चुअली जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन ईद है और अक्षय तृतीया है, लेकिन जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो ईद ख़त्म हो चुका होगा और अक्षय तृतीया भी। तो व्लॉग तो लेट से आता है, आप सभी को पता ही है, जिस दिन शूट होता है उसी दिन नहीं आता है। तो जब तक ये व्लॉग आएगा, जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, तब तक ये दोनों रेसिपीज़ जो है सकपैता दाल की और गोभी आलू के सब्ज़ी की, ये सारी रेसिपीज़ मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोड हो चुकी होंगी। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है मेराकी पैशन ऑन प्लेट, और अगर आप लोगों को रेसिपीज़ ये वाली देखनी है तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ये दोनों रेसिपीज़ आपको वहीं मिल जाएंगी। और आज रात तो भाई लोग भी आ जाएंगे वापस, जो टूर पे गए हुए थे भाई भाभी। और कल जो है ना, मैं कल सुबह सोची हूँ कि चली जाऊँगी अपने घर, क्योंकि मेरा भी सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, कोई ऑर्डर्स ले रही हूँ, आदि की पढ़ाई हैम्पर हो रही है, तो इसीलिए आज रात भाभी आ जाएगी भाई भाभी, तो कल मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। और ये देखिए खाना भी बन गया मेरा बातों बातों में, दाल भी रेडी है, बस छौंक लगानी है। और ये देखिए हमारी दाल, और दाल के साथ मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी भी बन गई, साथ में निक्की ने राइस भी बना लिया था, तो लंच तैयार हो गया, फिर सब ने खा लिया, शूट कुछ कर नहीं पाई थी। और ये देखिए फैमिली, यहाँ निक्की की चल रही है कुकिंग क्लासेस, उसको मैंने आटा गूंथना भी सिखा दिया है और रोटियाँ सेकना भी। देखिए कितनी अच्छी रोटियाँ सेक रही है निक्की अपने आप से, उसे ठीक से नहीं आ रहा था तो मैंने सिखा दिया, बस रोटी बेलने में थोड़ी दिक्कत है पर वो भी सीख जाएगी पक्का कुछ ही दिनों में। फैमिली आज फिर से
नहीं कर पाई कुछ भी शूटिंग सारा दिन। आज थोड़ा सा सर में दर्द भी था मेरे, तो सोई थी दोपहर में। और शाम को सत्तू का पराठा जो बनाना था वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। माँ को नहीं खाने का मन था और भाई भी कह रहा था नहीं मन हो रहा सत्तू का पराठा खाने को, तो फिर प्लेन रोटी ही बनाया। और सुबह की तो दाल और सब्जी ये सारा कुछ था, और साथ में रेस्टोरेंट से चिल्ली पनीर और ड्राई क्रिस्पी चिल्ली बेबी कॉर्न लेके आया था भाई। तो यही सब मिला के सबने डिनर कर लिया और आ गई हूँ मैं फिर से सोने के लिए। सर में दर्द जो है ना अभी भी हुए जा रहा है। और आज दोपहर में माँ को फिर से डॉक्टर को दिखाया। भाई को मैंने बोला था, माँ भी कह रही थी कई दिनों से कि चलो एक बार जो जनरल जो फिजिशियन है जो हमेशा से माँ को देखते थे उनसे भी एक बार चेकअप माँ भी करवाना चाहती थी, क्योंकि तबीयत जो है ठीक नहीं हो रही है। फ़िलहाल तो कार्डियोलॉजिस्ट ने जो दवा दी थी वो सारा कुछ चल रहा था, तो रेगुलर जो हमेशा देखते हैं माँ को उस डॉक्टर के पास आज गई थी माँ। तो उन्होंने कुछ विटामिंस की दवाइयाँ दी हैं और देखिए होपफुली माँ थोड़ी ठीक होने लगे। अब दवाई कुछ कुछ दवा चेंज भी हुई है आज, तो देखा जाए। एनीवेज आज अभी फ़िलहाल 11 बज चुके हैं और आधा एक घंटे में भाई लोग भी वापस आ जाएंगे घर, जो टूर पे गए थे ना भाई भाभी। तो बात हुई है, वो लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं कोलकाता के, और बस आने में जितना समय लगे तो वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मैंने तो उन लोगों के लिए भी डिनर रेडी कर लिया था, लेकिन भाई ने बताया कि वो लोग डिनर वहीं पे कर चुके हैं। तो फिर सारा कुछ फ्रिज में रख के आई हूँ, काफ़ी सारा आज रोटी भी एक्स्ट्रा हो गया। तो कल नाश्ते में जो है ना रोटी का हलवा बना दूँगी, क्योंकि रोटियाँ बच जाएंगी आज रात। और जो सत्तू का पराठा बनना था वो तो पापा को खाने की इच्छा थी पर बाकी किसी को नहीं थी, तो फिर आज नहीं बना। लेकिन मैं पापा को बोली हूँ कल नाश्ते में बना दूँगी सत्तू का पराठा। और कल ही मैं सोच रही हूँ कि अपने घर भी चली जाऊँ बेलेघाटा, क्योंकि अब भाभी तो आ ही जा रही है आज रात। और कल नाश्ता बना दूँगी और लंच भी सोच रही हूँ बना ही दूँगी। लंच बना के लंच करने के बाद निकल जाऊँगी बेलेघाटा के लिए, क्योंकि मेरा भी काम सारा हैम्पर हो रहा है, ना कोई ऑर्डर्स ले पा रही हूँ और घर भी सारा बिखर के पड़ा हुआ है। उस दिन जो लास्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ एंगेजमेंट के लिए केक लेके, तो बस केक का बर्तन धोई थी और घर पूरा बिखरा पड़ा था। तो अब जाऊंगी तो फिर सारी सफाई करनी है, और फिर आदि की गिटार क्लासेस और जो ट्यूशन के लिए एक लेडी टीचर को मैंने बात किया था तो उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ आप लोग आ ही नहीं रहे हैं, 1 तारीख भी हो गया और कब से पढ़ाना है आदि को। तो फिर कहीं वो छोड़ देंगी तो और मेरी मुसीबत हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल मैं घर चली जाऊँगी। मम्मी की दवाई भी चेंज हुई है और मैंने निक्की से कहा है एटलीस्ट टाइम टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह देते रहना, स्पेशली सुबह का ब्रेकफास्ट जो है ना वो देर नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी सारी दवाइयां हैं। तो मैं तो थी, मैंने काफ़ी कुछ निक्की को सिखाया, कोशिश तो कर रही थी, उसे आता नहीं है कुछ अभी फ़िलहाल। लेकिन 2-3 दिनों से आटा गूंथना वगैरह करने के लिए मैंने उसे जितना हुआ सिखाई हूँ, आज का जो आटा है उसने अच्छे से गूंथा है, तो अब उसे आटा गूंथना भी मोर और लेस आ गया है। और रोटी सेकना भी मैंने सिखा दिया, तो धीरे धीरे वो भी अब थोड़ा अच्छा होने लग गया है, रोटी सेकना भी सीख गई है। बस रोटी बेलना सीख जाए तो उसे रोटी भी आ जाएगा, और सब्जी वगैरह उसे ऐसे आता है जनरल, लेकिन पता नहीं अब देखिए अपने से अगर वो कर लेती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं आऊँगी वापस कुछ दिनों के बाद, क्योंकि फिर माँ की तबीयत जो है ना वो माँ अब किचन में कुछ काम कर पाए ऐसा मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि माँ को जाके करना पड़े कुछ भी किचन का काम। तो अगर निक्की नहीं कर पाएगी मैनेज, निक्की और निशा दोनों मिलके, तो फिर मैं फिर से एक बार आ जाऊँगी। कुछ दिनों में समर वैकेशन भी होने वाला है, लेकिन आने के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि फिर आदि की ट्यूशन टीचर का क्या होगा, वो तो यहाँ आके नहीं पढ़ाएंगी, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। देखती हूँ कैसे क्या करूँगी नहीं पता। मैं माँ को बोली हूँ कि माँ से बात तो रोज़ होगी, मैं पूछा करूँगी टाइम से मिल रहा है कि नहीं खाना वगैरह,
अगर भाभी लोग नहीं कर पाएगी तो मुझे आना ही पड़ेगा, वरना तबीयत तो बिगड़ जाएगी फिर से माँ की, जो कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाह रही हूँ कि माँ की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और वो तभी होगा जब प्रॉपर टाइमली खाना वगैरह मिलेगा। तो जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन मन जो है यहाँ भी लगा रहेगा माँ के लिए। अब क्या किया जाए, वहाँ भी जाना ज़रूरी है, तो फिलहाल जाऊँगी और देखती हूँ। और क्या बोलूँ, होप माँ जल्दी से अच्छी हो जाए, और ठीक हो जाएगी भी ना तो भी। मैंने मम्मी से कहा है कि अब आप किचन का काम करना बंद कीजिए, इतने सालों से आपने बहुत कुछ कर दिया। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ फैमिली, और आदि मेरी शक्ल देख रहा है, ये देखिए ये देख रहा है, एक्चुअली ये सोच रहा है मम्मा आज कितनी बातें कर रही है। तो आज घर चली जाऊंगी ना कल सुबह, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से भी बैठी हूँ, बस बातें कर ले रही हूँ। सर भी दर्द हुए जा रहा है, बातें करते करते सर भी दबा ले रही हूँ, और आदि यहाँ हंस रहा है। अब इतने सारे दिन जो एब्सेंट हुआ है ना, आप कल घर जाऊंगी तो इसके बाद आदि अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे सारे नोट्स लेगा, और उसे सारा कुछ लिखना पड़ेगा। बहुत सारी उसकी पढ़ाई भी हैम्पर हुई है इसी चक्कर में, स्कूल के कोई भी नोट्स उसने नहीं लिखे हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड तो की है लेकिन टीचर ने उसे एब्सेंट मार्क कर दिया है क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म था। तो यूनिफॉर्म भी मैं लेके आई नहीं थी, इसीलिए उसके क्लासेस में भी उसे एब्सेंट मार्क ही मिला। और अब इतने दिनों के गैप के बाद जो स्कूल भेजूंगी अगर, तो देखती हूँ क्या होगा। अब कुछ ना कुछ रीज़न भी तो स्कूल को बताना होगा कि इतने दिनों तक क्यों नहीं भेजा अपने बच्चों को। तो काफ़ी सारा स्ट्रेस है मुझे ये सारा कुछ। अब घर जाऊँ फिर देखती हूँ कैसे क्या क्या करूँगी। तो ठीक है फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और देखा जाए कल सुबह। तो कल मैं यहीं हूँ फ़िलहाल, ब्रेकफास्ट और लंच ये सारा कुछ करके तैयारी, उसके बाद ही निकलूँगी मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 बजे शाम तक घर पहुँचूँगी। फिर घर की सफाई रहेगी अलग, तो कल भी सारा दिन काम ही रहने वाला है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही सही। आज ईद भी था, अक्षय तृतीया भी थी, लेकिन ना कुछ मैदान कर पाई ना बाहर गई, हम लोग बस घर पे ही थे, किसी ने भी कुछ नहीं किया। और कुछ ही दिनों में फिर शादी का टाइम आ जाएगा मामा के बेटे का, तो चलूँ अब अपने घर और तैयारी करूँ। और आदि कह रहा है मम्मा जल्दी ब्लॉग ख़त्म कीजिए, वो मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। तो फैमिली आज के लिए बस इतना ही, कल मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और जितने भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं आज पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग्स अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ ब्लॉग्स आती हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा लगा या कुछ बातें करना हो आप लोगों को तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि कभी कोई कमेंट आए किसी सब्सक्राइबर का, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता है। वैसे चैनल भी अभी नया नया है, ज़्यादा तो सब्सक्राइबर्स है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ कमेंट करेंगे, मुझसे बातें करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हो सके तो आप लोग भी कुछ कमेंट किया कीजिए। तो ठीक है फैमिली, ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग, मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।